फैमिली राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि कोहरा हो रहा है और धूप निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। कई दिन हो गए धूप नहीं निकल रही है, जो कि कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हैं हमारे, जो कि सूख नहीं रहे। और कई मतलब एक दो कमेंट आए थे कपड़ों के लिए, जैसे कि मैंने बोला था ना, मैंने कपड़े आए हुए हैं प्रिया के लिए बहुत सारे, बहुत टाइम से मैं दिखाई नहीं पा रही। जैसे कि मुझे शादी में भी काफ़ी सारे कपड़े मिले थे, और मतलब जो ताई जी हैं मेरी, ताई सास हैं, उनके यहाँ से भी कपड़े आए थे काफ़ी। और भैया जो अमेरिका से लेके आए थे, तो वो सारे कपड़े हैं, तो बोला था उन्होंने, कमेंट किया था कि दीदी आप दिखाना। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम है तो दिखा देती हूँ, मैंने कहा कपड़े। और बाकी अभी जो शादी वाले भाई की जो शादी वाले कपड़े हैं ना, वो अभी नहीं दिखा रही, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए। तो मैंने कहा पहले ये दिखा देती हूँ, फिर बाद में देखूँगी, वो भी दिखा दूँगी। तो चलो ये दिखाती हूँ मैं पहले, पहले तो मैं वही दिखाती हूँ जो कि अमेरिका से जो कपड़े आए ना, जो भैया लेके आए। तो ये टॉप है प्रिया के लिए, इस तरीके का है, और इसमें डिजाइन है, मतलब ऐसे टॉप है, और काफ़ी अच्छा है ये, और बहुत पसंद आए इसे। लेकिन अभी पहने नहीं है, क्योंकि अभी कहीं जाना आना भी नहीं हो रहा, और फिर ये थोड़े से आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और एक है ये है एक, ये भी है, और ये तो काफ़ी मुझे लगता है बड़ा ही लग रहा है प्रिया के, शायद बड़ा भी आएगा तो करा लेगी, लेकिन कटिंग करा के करानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जो कि अच्छा है। ये भी वही लेके आए हैं जो भैया लेके आए हैं, और इसके साथ ये वाला है, ये वाला इसके साथ है ना, इसके साथ ये भी काफ़ी बड़ा साइज है, क्योंकि वही है ना, दूर से आते हैं तो अंदाज़ा नहीं होता कितना है क्या है। तो ये भी मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें भी करानी पड़ेगी, कटिंग करानी पड़ेगी। तो एक ये है, और वहाँ तो काफ़ी ये पता है डॉलर में मिलते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ तो प्राइस होते हैं, वहाँ पे डॉलर में होता है सब कुछ। और ये भी अच्छा है, ये इसी के साथ है, इसके साथ ये है, तो काफ़ी अच्छे हैं। और एक है ये गरम है, गरम जर्सी है, जो कि अच्छी लग रही है, रेड कलर की है, बिल्कुल रेड कलर है इसका, और वैसे भी अच्छी लग रही है। और आप लोग बताना बाकी कि कैसे लग रहे हैं। तो ये भी वहीं से आई है, और ये जो गाज़ियाबाद में जो शादी हुई थी ना, जैसे मेरी जिठानी के बेटे की शादी हुई थी, तो वो आए थे यहाँ पे, जैसे कि आपने वीडियो देखी है, मैंने मेरे यहाँ पे घूमने आई थी, वो बहुएँ आई थी, तो तब वो भी लेके आई थी भाभी जो हैं, इसके लिए प्रिया के लिए ये एक सूट लेकर आई थी, और ये वाला सूट लेकर आई थी मेरे लिए, ये सूट जो है मेरे लिए लेकर आई थी। तो एक सूट ये मेरे लिए, और एक सूट ये प्रिया के लिए, वो भाभी लेकर आई थी। और ये पैंट शर्ट का कपड़ा है मेरे सूट के साथ में। तो और ये है जो मैं मतलब मेरी ननद के यहाँ बेटे की शादी थी ना, उसमें गई थी मैं, तब उन्होंने भी मुझे साड़ियाँ दी थी, तो दो साड़ी उन्होंने दी थी मुझे। तो एक तो ये है रानी कलर की साड़ी है ये, और काफ़ी अच्छी है साड़ी, तो ये भी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो ये दिखा रही हूँ तो ये भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े ना निकाले हुए हैं, जैसे एक बैग में सेट कर दिए थे मैंने सब कपड़े, और ये अभी निकाले थे मैंने। और एक साड़ी ये है, एक साड़ी ये है, ये कॉटन मिक्स साड़ी है, ये वाली साड़ी, बॉर्डर की साड़ी है, तो ये भी अच्छी साड़ी है, काफ़ी अच्छी साड़ी है। तो ये दो साड़ी मुझे वहाँ से मिली थी दीदी की ननद के यहाँ से। तो बहुत सारे इस बार ना इतने कपड़े हो गए, बहुत सारे कपड़े कि यहाँ से मिले, और अभी काफ़ी सारे कपड़े ना मेरे भाई की शादी में भी मिले थे, वो भी नहीं दिखाए मैंने, क्योंकि बीच में ना टाइम ही नहीं मिला था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इस वजह से।
और मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ। तो ये सारे कपड़े आप लोगों को मैंने दिखा दिए आज, तो आप बताओगे कैसे लगे आप सबको जितने भी कपड़े, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए तो फिर मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।